कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब तकरीबन सुबह के बज रहे थे 5, 5:30 और मैं सोच रही थी कि आज जो है वो नाश्ते में हस्बैंड को क्या बना के दूँ। तो फिर मेरे जहन में आया कि चले मैं बनाती हूँ जी एग पराठा। और मैंने जल्दी से यूट्यूब खोली और उस पर देख ली कोई इंस्टेंट रेसिपी एग पराठा की। तो फिर जो ये मुझे नज़र आई थी तो मैंने सोचा कि चले यही वाला ट्राई कर लेते हैं। और मैं फटाफट से उठी और 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और मैं बाहर आ गई थी। तो इसके लिए मैंने ना एक प्याज ले लिया, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और एक टमाटर ले लिया था, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। और इसमें जो है ये स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, सॉरी हल्दी नहीं, ज़ीरा, धनिया। और जो है ना ये मैंने 2 अंडे पहले निकाले थे, मैंने कहा था काफ़ी होंगे, लेकिन ना मुझे था कि मैं 3 पराठे बना लूँगी तो इनफ है। लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं आप 4 बना दो, क्योंकि जो है ना और भी हैं, तो चलें यह है कि इजीली हम 1-1 पराठा खा लेंगे। तो फिर मैंने इसमें पहले 2 अंडे मिलाए, लेकिन मुझे लगा कि फिर अगर मैंने 4 पराठे बनाने हैं तो ये थोड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फिर इसके लिए ना एक और अंडा ले आई और मैंने इसके अंदर जो है वो एक और अंडा डाल दिया। और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो नमक वगैरह भी मैंने और डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि रोटी के ऊपर इसको हमने लगाना है तो जो है ना थोड़ा ज़रा स्पाइसी होगा तो ही अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको रख देते हैं जी एक साइड पे, और आते हैं अपने जो है रोटी की तरफ, पराठों की तरफ। और फिर इसका जो है वो मैंने पराठा बना लिया था। और पहले लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, आज मैंने कहा चलें इस तरीके से बना लेते हैं पराठा, तो ये एक जो है न्यू तरीका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको जो है बल दे के मैंने तो ये पराठा बना लिया था। तो इस पराठा के लिए मुझे क्या करना है कि मैंने पहले जो है ये पराठा जो है ना वो पूरा बना लिया था, क्योंकि अंडा तो जो है वो फ़ौरन ही बन जाना है और जो पराठा है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले पराठा जो है वो फुल डन कर लिया था। और इसको फुल डन करने के बाद मैंने इसको उतार लिया तवे से, और ये आप देख सकते हैं कि बलों वाला प्यारा सा पराठा रेडी हो गया। अब मैंने ऑयल डाला है तवे पे और इस तरह से अंडा डाल के इसको फैला दिया अच्छी तरह से, और इसके ऊपर ही जो है मैं वो जो मैंने पराठा बनाया है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और बस ऐसे हल्का सा इसको मैं करूँगी और ये अंडा जो है वो डन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी है और इसको जो है मैंने बस 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और इसको जब मैं पलटूंगी तो वो जो अंडा है वो इसके साथ चिपक चुका होगा और ये एग पराठा जो है वो हमारा रेडी हो गया। आप चाहें तो बड़े बड़े भी अंडे बना सकते हैं, बस मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि भाई अंडे का क्या साइज़ रखना चाहिए मुझे। तो अब बन रही है जी साथ चाय, और चाय के बाद जी जनाब शाम में मैंने अपनी भांजी से पूछा था कि आपने चाट खानी है, तो उसने बोला कि हाँ बना लें आप चाट। और चाट मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे ये एप्पल जो है ना वो पील करना भूल ही जाती हूँ मैं, बस मेरी आदत नहीं है ना तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। तो ये मैं बाद में मैंने इसका छिलका उतार लिया था। और उसने मुझे कहा था कि मुझे क्रीमी चाट नहीं खानी है, मैंने उसको बोला था कि अगर आपने क्रीमी चाट खानी है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो। तो वो कहती कि नहीं मैंने ना बस शुगर और ब्लैक पेपर वाली चाट जो है ना मुझे पसंद है, वही मुझे मम्मा बना के देती हैं, तो आप मुझे वही दे दें। तो बस मैंने ये 1 एप्पल ले लिया है और ये 3-4 जो है खजूरें ले लिया है। खजूरें जो है ना वो बहुत मज़े की लगती हैं फ्रूट चाट में, उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप दूध भी डालें तो दूध में जो है मिक्स होके और वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने 1 एप्पल जो है वो कट कर लिया बारीक बारीक, और ये 3-4 खजूरें ले ली थी, 3-4 मैंने बनानास ले लिए थे, और थोड़े से जो है इसमें ग्रेप्स डाल लिए थे, और बस शुगर और ब्लैक पेपर डाल के। तो मैं आराम से जो है वो चाट बना रही थी। और जब बारी आई बनानास की तो अब्दुल्लाहद चढ़ गया मेरी गोद में और इतना रो रहा था, तो मैंने कहा अब मैं इसको रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। आपको छोटा सा हाथ बीच में नज़र आ ही रहा होगा, तो ये अब्दुल्लाहद बस मेरी गोद में आ गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आपको गोद में उठा लेती हूँ। और गोद में उठा के तो फिर मैंने ये बाकी चाट जो है वो बनाई थी, और इसमें थोड़े से जो है ये मैंने ग्रेप्स भी डाल दिए हैं। और जो है ना बस ये सिंपल सी चाट जो है वो तैयार हो गई है। और इसके बाद ये मैं बना रही हूँ एक अनोखा सा जो है वो शेक, इसके अंदर ये मेरे फादर इन लॉ ने जो है मुझे बोला था कि बना के दो, तो मैं उनको कह रही थी कि ये सब कुछ आपने पानी में क्यों डाल दिया। तो पानी में डालने की वजह ये थी कि इसकी जो तासीर है ना वो थोड़ी ज़रा ठंडी हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें ही गर्म हैं। आप वैसे भी ये जो है नॉर्मली भी ये शेक पी सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें से ग्रेप्स स्किप कर दें और जो एलिमेंट्स हैं वो भी आप बस लिमिटेड ही डालें और इसी तरह से इसको पानी में जो है वो रख के तो बस इसको आप ना बना सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ये शेक है, ये मिल्क शेक। जो लोग जो है वो थोड़ा सा हेल्दी कुछ खाना पीना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो वो ये शेक भी पी सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम कहें जी के नुकसानदेह है। तो ये शेक जो है मैंने बना लिया था। और ये जब जग चलता है ना तो अब्दुल्लाहत की जो एक्साइटमेंट है ना वो देखने वाली होती है, और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अब्दुल्लाहत इतनी ज़्यादा चीखें मारने लग जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, मैं देख लूँ इसको। और बहुत खुश होता है ये जग देख के ना। तो ये देख लें कुछ इस टाइप का जो है ये शेक बन रहा है, और इसको जो है मैंने ये इस ग्लास में निकाल लिया है। तो ये ग्लास में जो है वो स्ट्रॉ वाला गिलास इजीली इसमें पिया जाता है। अभी मुझे लग रहा था कि इसको और भी ज़रूरत है, तो मैंने इसको दोबारा जो है ना वो डाल के दोबारा शेक कर लिया था। और फिर हम गए थे बाज़ार, फादर इन लॉ के लिए जो है वो स्लीपर्स लेने थे, तो वो लेने के लिए चले गए। तो फिर मैं और जो भांजी है वो भी साथ ही चले गए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलें बाहर आए हैं तो कुछ खा पी लेते हैं। तो उसका भी दिल था गोलगप्पे खाने का, और मेरा भी गोलगप्पे खाने का मूड तो कभी भी बन जाता है। तो फिर उसी के पास हम आ गए थे जिससे हम ये गोलगप्पे खाते हैं अक्सर। तो हमने जो है 1.5 प्लेट जो है ना वो गोलगप्पों की मंगवा ली थी, और लेमन सोडा भी एक ले लिया था। बस ये ऐसे ही ले लिया था। और साथ में जो है स्पाइरल वाला सामने ही हमारे है बिल्कुल। तो फिर जब गोलगप्पे खाते हैं तो फिर मेरी नज़र जब स्पाइरल पे पड़ती है तो मैं फ़ौरन वो लाजमी ले। तो बस इसी स्पाइरल और गोलगप्पों के साथ फिनिश करते हैं आज के व्लॉग को। लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।